गुड मॉर्निंग नन्हे फरिश्तों, आज हम करेंगे सॉल्ट एक्सरसाइजेस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 68 ऑफ द चैप्टर 4 व्हिच इज पार्ट्स एंड होल्स फ्रॉम द मैथ्स टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5 मैथमेटिक पार्ट 5 ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई। बहुत अच्छी अच्छी दो एक्टिविटीज आज हम करेंगे बच्चे, शुरू करें। स्कूल मैगजीन। A school has decided to bring out a magazine every quarter of the year. How many magazines will they have in a year? If they want to print it at the end of each quarter of a year, which are the months for printing? Mark the number for those months. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. These are the number of months written in a row. तो थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चे। School magazine. A school has decided to bring out a magazine every quarter of the year. Let's take a pen. Okay. A school has decided to bring out a magazine every quarter of a year. एक स्कूल ने ये डिसाइड किया कि हम मैगज़ीन निकालेंगे। आप लोगों के स्कूल में मैगज़ीन सबकी निकलती है ना, जिसमें आपके आर्टिकल्स छपते हैं, स्टोरीज, जोक्स, कुछ आपने लिखा, कहीं घूमने गए हो उसके बारे में कुछ लिखा, कुछ क्विजेज हैं, पजल्स हैं, है ना। तो ऐसे ही वो सब आप लोग देते हो मैम को, तो मैम उसको मैगज़ीन में छापती हैं। तो जो स्कूल है, आपकी जनरली एनुअल मैगज़ीन होती है साल में एक बार, तो ये स्कूल ने ये डिसाइड किया कि हम हमारी मैगज़ीन जो है ना एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर निकालेंगे। क्वार्टर का मतलब आप समझ चुके हो बच्चे, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 मीन्स एक चीज़ के चार हिस्से करोगे तो जो चौथा हिस्सा है वो क्वार्टर है। ये भी एक क्वार्टर है, ये भी एक क्वार्टर है, ये भी एक क्वार्टर है, ये भी एक क्वार्टर है। तो स्कूल ने ये डिसाइड किया कि साल में 12 मंथ्स होते हैं ना, तो हम हमारे 12 मंथ्स को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और हर क्वार्टर में एक एक मैगज़ीन निकालेंगे। पहली बात उन्होंने ये डिसाइड की। सो हाउ मेनी मैगजीन्स विल दे हैव इन अ ईयर? अगर वो हर क्वार्टर में एक मैगज़ीन निकालेंगे, साल के चार हिस्से करेंगे और हर हिस्से में एक मैगज़ीन निकालेंगे, तो कितनी मैगजीन्स बच्चों को मिलेंगी? वेरी गुड, सिंपल आंसर। अगर ईयर के 4 पार्ट्स कर रहे हैं वो और हर क्वार्टर में बच्चों को हर पार्ट में 1 मैगजीन बच्चों को मिल रही है, तो टोटल मैगजीन्स 1 ईयर में बच्चों को मिलेंगी 4। हाउ मेनी मैगजीन्स विल दे हैव इन अ ईयर? दे विल हैव 4 मैगजीन्स। ओके, इफ दे वांट टू प्रिंट इट, इफ दे वांट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर, विच आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग? Mark the number for those months. Let's understand. If they want to print it, अगर वो चाहते हैं कि हम अपनी मैगज़ीन को छपवाएं, प्रिंट मतलब छपवाएं, at the end of each quarter of a year, हर क्वार्टर में आपने साल के चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो तीन तीन महीने का एक हिस्सा हुआ मान लो, तो हर उसके एंड में वो जो है मैगज़ीन को छपवाना चाहते हैं, वो मतलब क्वार्टर के शुरू में नहीं, क्वार्टर के एंड में छपवाना चाहते हैं। सो विच आर द मंथ्स फॉर द फॉर प्रिंटिंग? तो कौन कौन से महीने में प्रिंट होगी मैगजीन, उन महीनों का नाम लिखो एंड मार्क द नंबर फॉर दोज मंथ्स। ये जो नंबर में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मार्क करो कौन कौन से महीने में मैगजीन छपेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी मैगजीन्स विल दे हैव इन अ ईयर? एक साल में उन्हें कितनी मैगजीन्स मिलेंगी? हमने अभी देखा बच्चे, कितनी मैगजीन्स मिलेंगी उन्हें एक साल में? दे विल हैव, they will have 4 magazines in a year. एक साल में कितनी मैगजीन्स मिलेंगी उनको? 4 मैगजीन्स मिलेंगी। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे जो 12 मंथ्स हैं उसके 4 क्वार्टर्स कौन कौन से होंगे। तो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? A year has 12
मंथ्स, एक साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? 12 महीने होते हैं. सो अ क्वार्टर ऑफ अ ईयर मीन्स क्वार्टर ऑफ अ ईयर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 12. एक साल के चौथा हिस्सा निकालोगे ना बेटे, कितना हो जाएगा वो? 1/4 ऑफ 12 कितना हो जाएगा? 4 1s are 4, 4 3s are 12, दैट विल कम आउट टू बी 3 months. तो हम डिवाइड कर लेते हैं इनको. ओके, सो 3 months में 3 3 months का क्वार्टर होगा. तो कौन कौन से क्वार्टर्स होंगे बच्चे? 1 2 3 इन 3 months का एक क्वार्टर हो जाएगा. ओके, 4 5 6 इन 3 months का दूसरा क्वार्टर हो जाएगा. 7 8 9 इन 3 months का थर्ड क्वार्टर हो जाएगा. और 10 11 12 इन 3 months का फोर्थ क्वार्टर हो जाएगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज़ द फर्स्ट क्वार्टर, जनवरी फेबररी मार्च इन 3 months का बेटे फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा. और 4 5 6 अप्रैल मई जून इन 3 quarters का हो जाएगा. 4 5 6 अप्रैल मई जून इन 3 quarters का हो जाएगा. सेकेंड क्वार्टर 3 months का हो जाएगा सेकेंड क्वार्टर. दिस इज़ द फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर. 7 8 9 इन मंथ्स का हो जाएगा थर्ड क्वार्टर. और 10 11 12 इन मंथ्स का हो जाएगा फोर्थ क्वार्टर. तो ये चार बार 4 महीने मैगजीन छपेंगी. फिर इन्होंने क्या कहा था कि हम जो मैगजीन प्रिंट करेंगे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर. फर्स्ट क्वार्टर आपका 1 2 3 months का है, जनवरी फेबररी मार्च इन 3 महीनों का आपका एक क्वार्टर है. तो वो जनवरी में मैगजीन नहीं छापेंगे. वो कब मैगजीन छापेंगे? थर्ड मंथ में. जनवरी में मैम अनाउंस कर देंगी बेटे आर्टिकल्स ला दो और फिर आप लोग जमा करोगे. और थर्ड मंथ में मार्च में वो प्रिंट करके आपको दे देंगे. फिर अप्रैल में मैम अनाउंस कर देगी तो आप अप्रैल में जून जून में आप मैम को प्रिंट करके आपको मैगजीन मिल जाएगी. तो कौन कौन से मंथ में मैगजीन मिलेगी आपको? सो लेट्स मार्क दोज मंथ्स. विच कलर शुड वी यूज? लेट्स यूज, टेल मी विच कलर वी शुड यूज. Shall we use red? Okay. So first magazine आपको मिलेगी 1 2 3 third month में. First magazine मिलेगी third month में, हम mark कर रहे हैं इनके. Fourth, fifth, sixth, second quarter की magazine आपको मिलेगी sixth month में. और 7 8 9 इस quarter की magazine मिलेगी ninth month में. और 10 11 12 इस quarter की magazine मिलेगी 12th month में. So कौन कौन से महीने में आपको magazine मिलेगी बच्चों? Third, sixth, ninth and 12th. इनके नाम लिख लेते हैं हम लोग नीचे, ठीक है? लेट्स राइट द नेम्स. सो द चिल्ड्रन विल गेट मैगजीन्स इन द मंथ्स ऑफ in the following months children will get magazines in the following months. Third month, what is the name of the third month? January, February, March. March is the third month. Then they will get fourth, fifth, sixth in the sixth month. Sixth month is which month? Sixth month is January, February, March, April, May, June. Okay? And then they will get magazine in the month of seventh, eighth, ninth month. Ninth month. What is the name of the ninth month? January, February, March, April, May, June. July, August, September. Very good. Very intelligent children. And then they are going to get magazine in the 12th month. 12th month is which month? January, last month of the year.
लास्ट मंथ इज डिसम्बर, डिसम्बर डिसम्बर ओके. सो बच्चों को मैगजीन कब कब मिलेगी? सो द चिल्ड्रन विल गेट मैगजीन्स इन द फॉलोइंग मंथ्स. कब कब मिलेगी उनको? थर्ड मंथ में मिलेगी मार्च में, सिक्स मंथ में मिलेगी मतलब जून में, नाइन्थ मंथ मतलब सेप्टेम्बर में, और ट्वेल्थ मंथ मतलब दिसंबर में. ठीक है, इन मंथ्स में बच्चों को मैगजीन मिलेगी. ओके, आपने उनको मार्क कर दिया, इनको मार्क करना था आपको. तो कब कब मैगजीन मिलेगी? थर्ड मंथ में, सिक्स मंथ में, नाइन्थ मंथ में और ट्वेल्थ मंथ में. ओके, सो हाउ मेनी मैगजीन्स विल दे हैव इन अ ईयर? दे विल हैव फोर मैगजीन्स इन अ ईयर. इफ दे वॉन्ट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर, सो विच आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग? हर क्वार्टर के एंड में वो प्रिंट करेंगे. तो पहले हमने निकाला है कि कितने क्वार्टर में डिवाइड होगा. तो 12 के फोर हिस्से किए, फोर थ्री जो 12, थ्री थ्री मंथ्स के चार क्वार्टर हो गए, है ना. तो हर क्वार्टर के एंड में मैगजीन, मतलब वन टू थ्री मंथ्स के एंड में, थर्ड मंथ में मैगजीन छपेगी. तो कब कब मैगजीन छपेगी? थर्ड मंथ में, सिक्स मंथ में, नाइन्थ मंथ में और ट्वेल्थ मंथ में. ओके चिल्ड्रेन, आई होप यू एंजॉयड द क्वेश्चन. सो रिवाइज इट. Sleeping Beauty. Have you heard of Kumbhakarna, the brother of Ravana? He is famous for sleeping for half a year. Most people sleep about 8 hours a day. Then, what part of the day is it? So, what part of a year do they sleep? A person 60 years old must have slept dash years. It's a very interesting question, children. आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा और समझ लेते हैं. Sleeping Beauty. Have you heard of Kumbhakarn, the brother of Ravana? आपने रावण के भाई कुंभकर्ण के बारे में सुना है ना. He is famous for sleeping for half a year. वो आधा साल कहते हैं सोता था, मतलब बहुत सोता था वो, और उनको जगाने के लिए बहुत नगाड़े ढोल वगैरह बजाने पड़ते थे. देन ही यूज़ टू गेट अप. सो मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 hours अ डे. ज़्यादातर लोग हम में से कितने घंटे सोते हैं बच्चे? 8 hours हम लोग सोते हैं. मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग 8 hours अ डे सोते हैं. देन व्हाट पार्ट ऑफ अ डे इज इट? अगर कोई इंसान 8 hours सो रहा है तो वो पूरे दिन का कितना हिस्सा सो रहा है, ये निकालना है हमको. सो वॉट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप? अगर वो एक दिन में इतना वन थर्ड, जितने जितना भी पार्ट हम निकालेंगे, पार्ट मीन्स फ्रैक्शन निकालेंगे, तो पूरे साल में वो कितना हिस्सा सोते हैं? और थर्ड क्वेश्चन, अ पर्सन 60 years ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट डैश ईयर्स. इसका मतलब एक 60 years का इंसान है वो कितने साल सोया होगा, सोने में कितने साल निकाल दिए होंगे उन्होंने. तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग, मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 hours अ डे. Then, what part of a day is it? अगर एक इंसान 8 hours a day सोता है तो दिन का कितना पार्ट हो जाएगा? पार्ट means fraction. How many hours are there in a day? A day has 24 hours. एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चा? 24 आवर्स होते हैं. सो 8 आवर्स इज इक्वल टू 8 by 24. 8 ones are 8, 8 twos are 16, 8 threes are 24. दैट मीन्स 1/3 पार्ट ऑफ अ डे मोस्ट ऑफ अस स्लीप. एक दिन में 24 आवर्स होते हैं ना, तो 8 आवर्स का कोई 8 आवर्स सो रहा है, इसका मतलब वो 8 24 आवर्स में से 8 आवर्स सो रहा है. तो पार्ट क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 8 by 24. और इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो आगे, क्योंकि वो 8 और 24 सेम टेबल में आ रहे हैं. 8 ones are 8, 8 threes are 24. तो इसको और आप सिंप्लीफाई करके 1/3 पार्ट. सो मोस्ट पीपल स्लीप फॉर व्हाट पार्ट ऑफ द डे? मोस्ट पीपल स्लीप फॉर, देन व्हाट पार्ट ऑफ अ डे इज इट? इट इज 1/3 पार्ट. 1/3 part.
What part of a day is it? It is 1/3 part. Second part. So what part of a year do they sleep? एक साल का कितना हिस्सा उन्होंने सोने में निकाला होगा? Let's check. हम सब लोग जो 8 hours सोते हैं, तो वो एक साल में कितने hours होते हैं? एक साल में कितने वो होते हैं बच्चे? How many months are there in a year? ये a year has 12 months, so 1/3 of 12 is equal to 1/3 multiplied by 12. 3 ones are 3, 3 fours are 12. Oh my God, that means 4 months. 4 months spent in sleeping. अगर हम 8 hours एक दिन में सोते हैं, तो इसका मतलब हम एक साल में 4 महीने सोते हैं, है ना? So it means so what part of a year do they sleep? They sleep how many months? 4 months. Part of a year. Part means fraction nikalni thi wahan pe. Hai na? 4 months. 4 out of 12 is again 1/3. So 4 months is what part? What part? Part is 4 out of 12. 4 ones are 4, 4 threes are 12. That is again 1/3 part of a year. 1/3 part of a year spent in sleeping. So what part is spent in sleeping? 1/3 part. What part of a year do they sleep? Again it is 1/3 part. A person 60 years old must have slept dash years. इसका मतलब अगर किसी की 60 years age है, तो उन्होंने अपनी life में कितने साल sleeping में बिता दिए? Third question. Again we have to select the pen and the color. Let's choose this color now. A person 60 years old must have slept for 1/3 of 60. 1/3 part सोते थे ना बेटे? अगर 8 hours सो रहे हैं, तो इसका मतलब 1/3 part हम सो रहे हैं. तो 60 years की life में उसका 1/3 हिस्सा सोने में निकाल दिया. तो 1/3 हिस्सा means कितने years हम check करते हैं? 1/3 of 60 means 1/3 multiplied by 60. So 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 zeros are 0. That comes to be 20 years.
अगर हम हर रोज़ 8 आवर्स सोते हैं, इसका मतलब हम अगर एक 60 ईयर्स के इंसान हैं तो वो 20 ईयर्स उन्होंने सोने में निकाल दिए। हाउ मेनी ईयर्स? 20 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था? यहाँ पे हमको पार्ट नहीं निकालना था, यहाँ पे हमको ईयर्स ही लिखने थे, नंबर ऑफ ईयर्स लिखने थे, कितने साल वो सोए। फ्रैक्शन नहीं निकालनी, पार्ट नहीं निकालना, सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स निकालने। तो नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स हमने निकाले अभी? 20 ईयर्स। अ पर्सन हु इज 60 ईयर्स ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट फॉर 20 ईयर्स। सो लेट्स रीड अगेन, क्विक रिकैप। स्लीपिंग ब्यूटी, हैव यू हर्ड ऑफ कुंभकर्ण द ब्रदर ऑफ रावण? He is famous for sleeping for half a year. Kumkan aadha saal sote the. So most people sleep about 8 hours a day. हम में से ज़्यादातर लोग कितने सोते हैं बेटे? 8 hours a day. एक दिन में 8 घंटे सोते हैं. Then what part of a day is it? तो 24 hours में से 8 hours क्या पार्ट हुआ, क्या फ्रैक्शन हुई? सो हमने वो भी निकाला। 24 out of 8 means a day has 24 hours. A day has 24 hours. 8 hours means 8 by 24. That comes to be 1/3 part. Second was, so what part of a year do they sleep? एक दिन का वो एक तिहाई हिस्सा सो रहे हैं, तो what part of a year? एक साल का वो कितना पार्ट सो रहे हैं? तो a year has how many months? A year has 12 months. A year has 12 months. So 1/3 of 12 means 1/3 multiplied by 12. 3 ones are 3, 3 fours are 12. That means 4 months in a year. एक साल के 4 महीने सोने में निकाल दिए। So वो तो 4 months गिन के हुए 4 months। तो पार्ट का मतलब क्या होता है? पार्ट निकालना है, मतलब फ्रैक्शन निकालना है। So 4 out of 12, टोटल 12 months में से 4 months spent in sleeping. So कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर लिया। 4 ones are 4, 4 threes are 12. इसका मतलब 1/3 पार्ट ऑफ अ ईयर इज स्पेंट इन स्लीपिंग। ओके, 1/3 पार्ट ऑफ अ ईयर। सो यहाँ पे लिख दिया हमने। देन व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप? दे स्लीप फॉर 1/3 पार्ट ऑफ अ ईयर। 1/3 पार्ट ऑफ ईयर इज स्पेंट इन स्लीपिंग। फिर पूछा, अ पर्सन 60 ईयर्स ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट डैश ईयर्स। कोई 60 ईयर्स के ओल्ड अंकल हैं या आंटी हैं, अ पर्सन कोई भी इंसान 60 ईयर्स का है, तो वो 8 आवर्स अगर रोज सोता है तो उसने अपनी उम्र का कितना हिस्सा सोने में निकाल दिया? तो अ पर्सन 60 ईयर्स ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट फॉर, अब 60 का 1/3 निकालेंगे, 1/3 पार्ट सोते थे ना। 1/3 of 60 मीन्स 1/3 multiplied by 60, दैट कम्स टू बी 20 ईयर्स। तो अगर कोई 60 ईयर्स की उम्र का इंसान है और वो रोज़ 8 घंटे 8 आवर्स सोता है, इसका मतलब उसने अपनी लाइफ के 20 ईयर्स सोने में निकाल दिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ना बेटे, आपकी बुक पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो एन्जॉय एंड रिवाइज। सी यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।